नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। सार्वदेशिक आर्य वीरांगना दल का राष्ट्रीय शिविर इस साल 8 जून से 16 जून तक ग्राम गोधरा में अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। शिविर में विभिन्न प्रांतों से 100 वीरांगनाओं ने भाग लिया। 16 जून 2024 को सुबह 9 बजे समापन समारोह प्रारंभ हुआ। ध्वजारोहण दल की प्रधान संचालिका साध्वी डॉक्टर उत्तमा यति एवं शिविराध्यक्ष संसार सिंह के द्वारा किया गया। इन्हीं के द्वारा मंच पर वीरांगनाओं द्वारा की गई परेड की सलामी दी गई। तत्पश्चात प्रदर्शन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सर्वांग सुंदर व्यायाम, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार तथा नियुद्धम का बहुत ही सुंदर संगीत की स्वर लहरियों के साथ प्रदर्शन हुआ। आर्य वीरांगना दल की थीम सॉन्ग वीरांगनाएं हम बनके सबल बनके निडर अब तो हम चली आर्य बनके जीवन सुधार कर चली दीक्षा शिवानी राधा एवं पुष्पा ने प्रस्तुत किया। इस गीत की रचना और धुन दल की प्रधान संचालिका साध्वी डॉक्टर उत्तमा यति द्वारा की गई थी। डंबल लेजियम शूटिंग तीरंदाजी तथा व्यायाम एवं स्तूप का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन हुआ। मंच पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे जिन्होंने वीरांगनाओं को आशीर्वाद दिया तथा कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि लड़कियों के ऐसे शिविर जगह जगह लगने चाहिए। कुमारी राधा ने बहुत ही ओजस्वी कविता का पाठ किया बेटी बचाओ। मंच पर उपस्थित अतिथिगण करमिंदर कौर, महिला आयोग, ऋषिपाल, हरियाणा पुलिस, योगेश मलिक सरपंच, डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, पीजीआई एमएस रोहतक आदि उपस्थित थे। ग्राम एवं आसपास के निवासियों के अलावा दिल्ली से भी आर्य समाज बी ब्लॉक की महिला प्रधाना मनीषा कथुरिया अपनी बहनों एवं समाज के अन्य सदस्यों के साथ उपस्थित हुई। आर्य समाज C3 जनकपुरी दिल्ली से रमेश चंद्र आर्य, राकेश खुराना भी थे। अंत में सभी प्रतियोगिता में विजेता वीरांगना को प्रमाण पत्र एवं प्रथम द्वितीय एवं तृतीय को शील्ड प्रदान की गई। सैनिक विभाग में प्रथम कुमारी कीर्ति, धनुर्विद्या में प्रथम कुमारी निशा, निशानेबाजी में प्रथम कुमारी अंजलि, बौद्धिक में प्रथम कुमारी राधा, सर्वांग सुंदर व्यायाम में प्रथम हिमांशी, योगासन में प्रथम प्रीति खत्री, लाठी में प्रथम जयंती, नियुद्धम में प्रथम पुरस्कार आराधना, सर्वश्रेष्ठ शिविर का पुरस्कार लिया कुमारी अंजलि, आर्य कन्या गुरुकुल राजेंद्र नगर दिल्ली की बालिका ने, अनुशासन का पुरस्कार लिया कुमकुम ने। शिक्षकों की कड़ी मेहनत का ही ये फल था। प्रधान शिक्षक सचिव आर्य, शिक्षिका सृष्टि आर्य, रजनी आर्य एवं मंजू आर्य, तीरंदाजी के शिक्षक विपुल एवं निशानेबाजी की कुमारी ऋचा गौड़,
सभी शिक्षकों को सम्मान राशि एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन बहुत सुंदर तरीके से संचालन दल की सचिव आरती खुराना ने किया। दल की कोषाध्यक्ष नीरज कुमारी ने पूरे शिविर में व्यवस्थाओं को संभाला। सहयोगी बहनों ने भी आठों दिन शिविर में मेहनत करी। सत्या चुग, सरोज आर्य, अंजू सिंह, कस्तूरी देवी पूर्व सरपंच, सभी ने तनमन से शिविर को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। अंत में साध्वी डॉक्टर उत्तमा यती ने सबको धन्यवाद दिया। ध्वज अवतरण एवं राष्ट्रीय प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। सभी आगंतुक अतिथियों के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था भी की गई थी। ये सब कितनी तनमन ढंग से दिन भर हमारे साथ लगे हुए थे।
बैंक हॉस्पिटल में सुबह शाम हर समय हमारे पास आती थी और उन्होंने तो पीड़ा उठाया, तो काम नहीं हुआ ना बेटा, क्या कहा था मैंने, यहाँ पर सीना पीछे कर दो। तो हमारी सर जिन्होंने टेंट लगाया, जो हमारे फोटोग्राफर हैं, फोटो खींच रहे हैं, जिन्होंने अपने सिस्टम से हमारे को साउंड सिस्टम से हमें पढ़ा, इन सब के लिए मैं आप सबका अपनी तरफ प्रादेशिक आर्य वीरांगना दल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा करती हूँ जो आप लोगों को हमारी वजह से यदि कोई तकलीफ हुई होगी और जो परेशानी हुई होगी तो उसके लिए आप लोग हमें छोड़ देंगे, हमारे कोई गलती हुई हो तो, और जो अच्छा ही है उसको आप अपने साथ लेंगे। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे बी ब्लॉक आर्य समाज के मेरी बहनें और भाई यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया, हमेशा वो आते हैं मेरे कहने पर, बी ब्लॉक आर्य समाज से पूरी बस आई है यहाँ पे, मैं सी ब्लॉक से भी, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहनों और भाई कि आप लोग आते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ जाता है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य में विराजमान है आरती, जो पिता का नाम है जगविंदर सिंह जी, वो भी आगे आए। आरती स्टोरी में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।